नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में अनमोल मित्तल आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, काफ़ी लंबे टाइम से एक रिक्वेस्ट थी मेरे पास एक वीडियो को लेकर के कि आप ज़रा इसके बारे में बताइए, ये क्या होता है और इसका क्या बेनिफिट हो सकता है और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आज। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं आईपीओ के बारे में। आईपीओ का नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा, ये सीएनबीसी जी बिजनेस में भी कई बार ये आईपीओ देखने को हमें मिल जाता है कि आईपीओ क्या है। और आईपीओ के दोस्तों बहुत सारे बेनिफिट भी हैं और बहुत सारे इसके नुकसान भी हैं। तो ज़रा पहले बात करते हैं कि आईपीओ होता क्या है। आईपीओ की दोस्तों देखिए, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आईपीओ की फुल फॉर्म जो होती है वो इनिटियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कहने का मतलब है ये इनिटियल लेवल पे पब्लिक को ऑफर करा है कि जी आप हमारी कंपनी के अंदर पैसा लगा लीजिए, राइट। तो ये दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है। इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये अच्छे से काम करेगा। मान लेते कोई एक कंपनी है, कोई भी एक कंपनी है, ABCD कोई एक कंपनी है, एक कंपनी है और आज तक इस कंपनी के कोई शेयर नहीं आए हैं। ये कंपनी अपने शेयर लॉन्च करना चाहती है और ये जो कंपनी शेयर अपने लॉन्च करना चाहती है, ये सबसे पहले क्या करेगी, सेबी के पास जाएगी। सेबी को अपनी कंपनी का पूरा रिकॉर्ड देगी, उसके डायरेक्टर, उनका बैकग्राउंड वगैरह, एनीथिंग एल्स, पूरा प्रोस्पेक्टस उनको मिलता है, वो उनको देना पड़ेगा। और उसको देने के बाद सेबी डिसाइड करेगा कि हाँ ठीक है, आईपीओ लॉन्च होगा। आईपीओ की क्या वैल्यू होगी ये भी सेबी डिसाइड करेगा। कंपनी की वैल्यूएशन के हिसाब से वो डिसाइड करेगा कि क्या इसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए। वो वैल्यूएशन जब हो जाएगी तो आप जितने भी इन्वेस्टर हैं, आप जिस भी डीमेट अकाउंट आपने किसी भी ब्रोकरेज फर्म में खुलाया हुआ है, तो वो आपको इंटीमेट करेंगे या सेबी आपको इंटीमेट करेगा नए आईपीओ के लिए। जी नया आईपीओ आ रहा है, आपको खरीदना चाहता है तो वो आप खरीद सकते हैं। और इन्वेस्टर अपना उसके अंदर पैसा लगाते हैं और वो इस तरीके से उसको खरीद लेते हैं। अब इसका दोस्तों एडवांटेज क्या है, पहले एडवांटेज के लिए बात करेंगे कि आईपीओ का एडवांटेज क्या है। आईपीओ का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है, कोई भी कंपनी अगर आईपीओ लॉन्च कर रही है तो इसका एडवांटेज ये है कि वो एक मिनिमम प्राइस डिसाइड होता है, वो मैक्सिमम प्राइस डिसाइड नहीं होता है। मान लेते किसी कंपनी ने 1,000 रुपये का एक आईपीओ अपना लॉन्च कर रही है, तो ये एक बहुत ही एक्सेप्टेबल प्राइस होता है, शेयर प्राइस एक एक्सेप्टेबल शेयर प्राइस होता है। और जो भी लोग इस आईपीओ को खरीद लेते हैं तो मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि जैसे ही वो लिस्टेड होता है और ट्रेडिंग उस पर स्टार्ट होती है तो 20-25% का तो आपको आराम से प्रॉफिट आ जाता है। यानी लिस्टेड होते ही 1 या 2 दिन के अंदर ये 1,000 रुपये का स्टॉक कहीं ना कहीं 1,200-1,300 रुपये के आसपास चले जाता है। तो ये एक इसका एडवांटेज होता है, मोस्ट ऑफ टाइम होता है और अच्छा बेनिफिट देता है अगर अच्छी कंपनी का आईपीओ है। और इसका दोस्तों डिसएडवांटेज क्या है, ये ज़रूरी नहीं है कि हो जाएगा। अगर आपने आईपीओ 1,000 का खरीदा है तो ज़रूरी नहीं है ये 1,250 तक या 1,300 1,500 तक चले जाएगा, ये कम भी जा सकता है, लेकिन ये ऐसा चांस बहुत कम होता है। एक इतनी जल्दी ये डाउन नहीं होता है, लेकिन ये जा भी सकता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा दोस्तों कि आईपीओ हमें कब खरीदना चाहिए, किस कंपनी का खरीदना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। 1 साल पहले तकरीबन एक आईपीओ आया था, ये हम आईपीओ देखेंगे शीला फोम आईपीओ। ये दोस्तों शीला फोम वालों ने शीला फोम का आईपीओ आया था और इसका अगर हम शेयर प्राइस इस टाइम देखें, शीला फोम का दोस्तों जो शेयर प्राइस चल रहा है वो 1,508 रुपये चल रहा है।
और ये आईपीओ दोस्तों 700-800 रुपये का आया था, 750-800 रुपये में आईपीओ आया था इसका, और ये 1 साल हुआ है और ये 1500 रुपये के आसपास चल रहा है, यानी ऑलमोस्ट डबल हो गया पैसा। काफ़ी लोग नहीं जानते थे कि 1 साल पहले जो शीला फोम आया था, ये शीला फोम है कौन सी कंपनी, ये किसकी कंपनी है, ये कंपनी स्लिप वेल वालों की है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो स्लिप वेल वालों की कंपनी है शीला फोम, और जिन लोगों को पता था उन्होंने काफ़ी बेनिफिट उठाया। तो इसलिए आईपीओ जब भी किसी कंपनी का आता है तो आप देख सकते हैं वो किसी पहली बड़ी कंपनी का, कोई दूसरी कंपनी तो नहीं है, कोई दूसरी ब्रांच, कोई दूसरा वो तो नहीं है। अगर ऑलरेडी स्लीपवेल बहुत अच्छी कंपनी है तो ऑब्वियसली बात है कि मोस्ट ऑफ चांस बढ़ जाएंगे कि शीला फोम बेटर करेगी, और इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट लेवल है वो उस पर बढ़ जाता है, तो अट्रैक्शन होता है उस शेयर के अंदर, और जिस शेयर में अट्रैक्शन होता है तो ऑब्वियसली बात है कि प्राइस बढ़ता ही है, राइट। तो स्लीपवेल अच्छी कंपनी है, शीला फोम अच्छा वर्क कर रही है, शेयर प्राइस अप है, और इन्वेस्टर को 1 साल में पैसा डबल हो गया, तो और क्या चाहिए, वो भी विदाउट रिस्क, राइट। तो ये होता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कभी भी आपको कोई इंटीमेशन या कोई मेल आती है डीमेट ब्रोकर की तरफ से या सेबी की तरफ से कि ये आईपीओ लॉन्च होने वाला है, तो सबसे पहले तो आप कंपनी का थोड़ा सा बैकग्राउंड जो भी आपको नॉलेज है, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं मिलेगा आपको नेट के ऊपर, लेकिन जितना भी इंफॉर्मेशन मिलता है आप कंपनी के हिसाब से लीजिए। कंपनी की इंफॉर्मेशन लेने के बाद ऑनलाइन भी कई काफ़ी सारे ब्रोकर हैं जो प्रोवाइड कराते हैं, तो वहाँ आपको अपना फॉर्म फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, आप अमाउंट उनको पे करके दे सकते हैं और उससे शायद आपको आईपीओ मिल जाएगा। बाकी जो उसका फिजिकली क्या होता है कि फिजिकली बैंक में जा कर के आपको अपना डीमेट की डिटेल, अपना आईडी प्रूफ, बैंक डिटेल और एक फॉर्म होता है वो आपको भर के देना होता है, और एक वैल्यू डिसाइड की जाती है, तो उस वैल्यू के हिसाब से आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और कई बार ये रिजेक्ट भी हो जाती है आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई, आपका पैसा आपको वापस मिल जाता है। मोस्ट ऑफ टाइम हम चेक देते हैं तो चेक आपको वापस मिल जाएगा, अगर वैसे आपकी पेमेंट गई है तो वो आपको वापस मिल जाएगी अगर रिजेक्ट होता है, और आप अच्छी हिसाब से और पूरी अच्छी तरीके से आप इस पे करते हैं तो थोड़ा सा आप ध्यान से आईपीओ को खरीदिएगा, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड हैं और मैं उनका बताऊंगा, तकरीबन 10 साल पहले उन्होंने कोई रिलायंस का कोई स्टॉक था, पावर था, पता नहीं कौन सा था, मुझे प्रॉपर ध्यान नहीं है, उन्होंने उनका आईपीओ खरीदा था, तकरीबन 400-500 रुपये का एक शेयर उन्होंने खरीदा था और 20-30 उन्होंने शेयर्स खरीदे थे, तो जो पैसा उन्होंने दोस्तों लगाया था वो आज उस शेयर की कीमत 40-50 रुपये रह गई है, 500-600 रुपये का स्टॉक खरीदा था, राइट। तो प्रोजेक्ट ही शुरू नहीं हो पाया सेकंड कंपनी का, स्टार्टिंग जो होनी थी, जो भी चीज़ होनी थी वो हो नहीं पाई, और हालांकि ये है कि रिलायंस ने शायद कुछ मुआवजा वगैरह दिया था, कुछ तो दिया था लेकिन बहुत काफ़ी नहीं था, बहुत कंपनी ऐसा नहीं करती है, लेकिन वो एक टोटली लॉस था, तो वो टोटली मनी लॉस में चली गई। लेकिन आईपीओ आप खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से खरीदिए, और मोस्ट ऑफ टाइम बहुत अच्छा प्रॉफिट आ जाता है आईपीओ में। तो आईपीओ के लिए दोस्तों ये थी थोड़ी सी नॉलेज, बाकी मिलता हूँ मैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।